साथमा विवेक इंटरप्राइजेस दुहाबी सुनसरी एरिना टेलीविजन देखि रहला संपूर्ण दर्शक बिन के हमें दुई हाथ जोड़ी के नमस्कार कर छन तोरसी नखने देखि रहला छे विभिन्न केबल ऑपरेटर माध्यम से हमर सिन के देश भर देखि रहला छे एरिना टेलीविजन आर ओइनन करके www.erinatelevision.com.np लगन करके तोरसी संसार भर लाइव प्रत्यक्ष रूप में लाइव देखे सक छै। आज रवि दिन छै कि सूर्य भएको तोरसी यान के मनपसंद थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज हमें साथ दे रहल छन तोरसी यान के संग हमें नीरज खवास आर इतना खान हमरा कैमरा दिशन साथ दे रहल छी कुशल कार्की ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहछिन। आज भर्खरै मौका पेलैस जन त इटा थार भाषा कार्यक्रम हमर समाज देखे लग्नी तोसिनके सबैसँ पहिने हमे इटा कार्यक्रमके जानकारी देवे चाहछुन जे कि इटा थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाजमे थारू समाजमे सङ्घर्ष करतै अल विभिन्न व्यक्तित्व सँगसँगैके बातचित आर एकटा विषय वस्तु ल्याके विभिन्न गाउँमा जाके यहाँ गाउँमा जाके व्यक्तित्व सँगसँगै बातचित गरू आर बनिया बनिया गीत सङ्गीत सुन्याके भी तोरसिनके इटा कार्यक्रम मार्फत हमे मनोरञ्जन करतै अलुस। आज एकटा गाउँमे अल छी जेकि अखने कम चुनावके विशेष चहल पहल चलि रहल छी जेकि चुनाव आबि रहल छी यहाँके चुनावमे विभिन्न दलके नेता सब कमनी अखने घर दैलो कार्यक्रममे व्यस्त रहल छी यहाँ व्यस्तके बावजूद भी आज हमे एकजना कमनी दलके नेता सँगे हमे बातचित जोड़े चाहे छुन जेकि आज हमर सँगे बातचित जोड़े लग्ना अपने सीके थारू समाजमे बहुते सङ्घर्ष करल एकटा कमनी नेता हमर सँगे आज बातचित जोड़ेमे छी जेकि ओ कोइने हाबीके प्रदेश नम्बर एक के कमनी क्षेत्र नम्बर मोरङ क्षेत्र नम्बर चार के प्रत्यक्ष तर्फके उम्मेदवार भक्ति माझी रहल छी हामी ओकरा कार्यक्रममे स्वागत गरे जा छिन। भक्ति जी स्वागत छु कार्यक्रममे। हाँ धन्यवाद। कतनाके व्यस्त छै अखने त आब एकदम चुनाव रे सबसे बीचेमे पुगल छिन अखने बहुते व्यस्त छिन चुनाव प्रचार प्रसार के क्रममे गाउँ गाउँमे घर दैलोदेखि लिएर बहुत आर प्रोग्राम सब सबैके मतदाता सियाके अपन पक्षमे मत दिआउला जिरङ तिरङ कहे प्रति उना प्रोग्राम सब कार्यक्रम सब चला रहल छिन अखने जेकि अखने घर दैलो कार्यक्रममे छै। हाँ कुन किसिम से भोट मागि रहल छै भक्ति माझीके एटा क्षेत्र नम्बर चार से कैम भोट हमर उम्मेदवारी छै नेपाली कांग्रेस पार्टीके तरफ से तऽ नेपाली कांग्रेस पार्टीके प्रतिनिधि सभामे महिषाचार्यजीके देल छै प्रदेश सभा एकमे हमी भक्ति माझी छी आ दुईमे विश्वनाथ रिजाल छी तब मेन नेपाली कांग्रेसके एजेंडामे हमरा एना ध्यान देबे पर्छै हमरा एना संक्षिप्तमे तीनटा एजेंडामे हमरा विशेष ध्यान दै छी अखने भोट मांगे बरियामे एक नम्बरमे हमरा से लोकतंत्र प्रजातन्त्रके रक्षा करना नेपाली कांग्रेस पार्टीके जिम्मेवारी छै नेपाली कांग्रेस पार्टी ही अखने लोकतंत्र प्रजातन्त्रके रक्षा करतै आ एकटा हमरा से दायित्व पूरा करबै आ अखने हमरा सबके आवश्यक छै नेपालमे लोकतन्त्र आर प्रजातन्त्र से आयल छै एक नम्बरमे हमर सबके मुख्य एजेंडा एकटामे ध्यान दै छी दोसर हमर सबके राष्ट्रीयताके सवालमे हमर सबके फोकस करल छै किएकि अखने नेपालमे की रहै छै कि विभिन्न जात जातिके बीचमे द्वन्द्व एकटा जात से दोसर जातके एकटा धर्मके दोसर धर्मसँ एकटा रीतिरिवाजवला एकटा भाषाभाषीके दोसर भाषाभाषीके बीचमे द्वेष पैदा करल छै तिना द्वेष न हमरा सबके मिटाबै तक छै आब राष्ट्रीय एकता हमरा चाह छै पहाड़ हिमाल मधेश तराई सब न एक एक होना चाहिए सब न जात जाति मिली के अखने गाँव में रहना चाहिए एक अर्का में द्वेष नहीं होना चाहिए सबके सहयोगी भावना होना चाहिए उटा चीज के अपना से राष्ट्रीयता के मुद्दा एक बना के नेपाली कांग्रेस पार्टी इटा एजेंडा एक आगू साल के तेसर मुख्य एजेंडा विकास के एजेंडा छे क्योंकि अब नेपाली कांग्रेस के मुख्य एजेंडा विकास में फोकस करने से हमारा क्योंकि नेपाली जनता बहुत भागल विकास नहीं भै रहा है गाँव ठावन में जरिए तरिए बहुत साल से विकास होना चाहिए उन्हें विकास नहीं भै रहा है ना विकास विकास हमारे साथ मुख्य एजेंडा के रूप में रखने रहा है तेसरो मुद्दा इटा कि नहीं लग्छू अब कहनी क्षेत्रीय बाहन से बहुत समाज से अपन सी के समाज से एक थारू समाज से एक प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार में उठल छे कि नहीं महसूस कर रहा है ठीक छै अखने आब नेपाली कांग्रेस पार्टी तऽ बड़का पार्टी छै प्रजातान्त्रिक पार्टी छै सबने जात जातिके समान समानुपातिक समावेशी कराके वएहबक्से उम्मेदवारी भी देल छै सब जात जाति समावेश छै जेना समानुपातिकमे छै दिलीप गजदारजी छै ओनहिए कल्पना सरदार छै राम कुमार विश्वकर्मा छै विद्यानन्द चौधरी छै समानुपातिकमे प्रत्यक्षमे हमे छी उमर विश्वनाथ रिजाल छै तऽ एकटामे हमरा सबके नेपाली कांग्रेस पार्टी जकरा उचित ठानलके ओ अनुसार टिकट वितरण करके ओनहिएके हमरा सबके उम्मेदवारी देल छै बढ़िआँ छै हमरा सब अपन किएकि हमरा एकटा क्षेत्रके एकटा प्रदेशके विशेष ज्ञान भी छै वएहसँ आओर फेर सबके थाहा छै कदन उत्पीड़नमे पड़ल प्रदेश छै एकटा इना बसोबास करल जात जातिके खास कए कऽ विकासके लहर विकासके फल नहि पेलबक कदन अपू ओकरा सबके सही पहुँच नहि हलबक छै
तो हमारे सही पहुँच कराना भी हमारे एकटा प्रयासरत छा कोशिश करबी क्या हमारा फिर एक चीज़ के बहुत ज्ञान भी छे। धन्यवाद। एक बातचीत रोके चाहूँ जेकि थारू भाषा कार्यक्रम हमार समाज विवेक इंटरप्राइजेस प्रायोजक हेला कार्यक्रम छे जेकि विवेक इंटरप्राइजेस में तोरसिन बहुत सुविधा सब लेबे सकते जेकि विवेक इंटरप्राइजेस में तोरसिन आईएमई सुविधा भी लेबे सकते आर विभिन्न रेमिट के सुविधा भी लेबे सकते तोरसिन कोई बाहर में छूजन तो बाहर से पैसा पठलत तोरसिन जल्दी निकाले सकते विवेक इंटरप्राइजेस से आर देशभरी तोरसिन रकम भी पठाबे सकते विवेक इंटरप्राइजेस से ओने करके बिल भुगतानी भी कर सकते जिन कि विद्युत बिल भुगतानी कर सकते टेलीफोन बिल भुगतानी कर सकते आर रिचार्ज कार्ड भी पावे सकते। थारवासा कार्यक्रम अखने तोरसिन देखी रहा है प्रत्येक हप्ता के रवि दिन साँझ 6 बजे से 7 बजे तक ओने करके पुनः प्रसारण सोमदिना 3 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम में हम एक कार्यक्रम में पानी कटा व्यापारिक विश्राम लेबे चाहूँ। आईएमए रेमिट आईपे रेमिट हिमाल रेमिट समसारा रेमिट पृथ्वी रेमिट में विदेश आयोग रकम तुरंत भुगतानी गरिनुका साथै देश भित्र रकम पठाउनु परेमा वा हवाई टिकट विद्युत बिल भुगतानी टेलीफोन बिल भुगतानी मोबाइल रिचार्ज तथा बैलेंस ट्रांसफर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। विवेक इंटरप्राइजेस दुहबी सुनसरी फोन नंबर 0525403016 0525403097 प्रोप्राइटर अनक चौधरी 9842204943 9842204943। कार्यक्रम के पानी कड़ा व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ तोरेसियान के मनपसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमार समाज में विवेक इंटरप्राइजेस से प्रायोजित थे इटा कार्यक्रम हमार समाज तोरसिन अखने देखी रहा है साथ में हमारा कैमरा दिशन साथ दे रहा है विनय जी आज हमें बातचीत जोड़ी रहा छू अपने सी के समाज में संघर्ष करते अल एक नेता संगे जेकि कोई नहीं हावी के क्षेत्र नंबर मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार भक्ति माझी जी रहा फिर से स्वागत छू कार्यक्रम में। धन्यवाद। किन खलक योजना छी जेकि जीती के जेबी भोट मांगी रहा छे तोरा यहाँ ना जनता भोट दिया के जीत तो कौन खलक योजना के कौन करे में कौन करे चाह छे तो अखने अभी एक दिन इटा बात छोड़िए दिनुस हमर सके प्रथम तो एक कौन छे कि विकास के प्रमुख एजेंडा बना के हमर सके नेपाली कांग्रेस पार्टी आगू बढ़ल छे तो हमर सके विकास होना जरूरी छे गाँवन में अखने जे हिसाब से विकास नहीं होल छे कम से कम पूर्वाधार विकास भी हमला बाकी छे तो ना हमारे साथ पहलो चरण में पूर्वाधार में विकास जे मामूली सड़क बाट जबकि ना चीज के लिए जनता के बोलने नहीं चाहिए सड़क बाट हर एक ठाव जैसे जन सड़क बाट के बात कर बिजली बत्ती के बात कर पानी के बात कर आज खाने पानी के योजना अनुसार से नहीं सोचे अपन अनुसार से कल गाड़ उन्हें पानी के जाँचल नहीं तकर बाद गाँव में टोल के पानी के निकास नहीं खेत न में कृषक सिया के जेना पानी के सिंचाई सिंचाई के सुविधा होना चाहिए उबक सुविधा नहीं मल खाद नहीं तो इना चीज हमरा से आप पूरा करबी कह हमरा से कह रहा आ तकर बाद सबसे बड़का चीज जे इना में इटा प्रदेश में पिछड़ल सब वर्ग जे जात जाति सब थारू खवास राजवंशी जनजाति सब दलित मुस्लिम वे खवास आई कुन कसी जांगर बातर ऋषिदेव सब तो एक किसी अखने आर्थिक सम्पन्नता के आवश्यकता है इटा में तीर हमारा चाहे ऑप्शन देख एक नंबर में तो एक रोजगारी के अवसर भी होना चाहिए जे पढ़ल लिखल सब छोड़ा रस ओकरा सके नौकरी चाकरी नहीं छे ओकरा सके नौकरी पालना विदेश पलायन आवे पड़े आ उटा से कुन ले ओकर आर्थिक सम्पन्नता नहीं अल धनी आवे नहीं पेलगे पैसा कमावे नहीं पेलगे आ तकर बाद हमारा से कुन करें तो दूर चीज एक सरकारी रोजगारी के अवसर देवे जे न बच्चा सब पढ़ी लिखिया के सक्षम मिले सरकारी रोजगारी के अवसर चाहे निजी क्षेत्र में आवे चाहे सरकारी क्षेत्र में आवे तो इना चीज हमारा सब संग संगे आर कुन करे सक जे महिला ना सब जे न महिला घरम रह फुर्सत से दिन कुन करते थे 3 महीना तो काम करते धान के इमर उमर खेतीपाती के तकर बाद फुर्सत अच्छे तालीम शिपमूलक तालीम दिया के पूँजी कम से कम पूँजी कम ब्याज में ओकरा सके निर्ब्याजी सरह ओकरा सके पैसा दया के उपलब्ध करा के ओकरा से कम अपने घरे में बैठ के कुछ सामान उत्पादन करे के बिक्री करे के इना चीज हमरा से जोड़ देवे आ सबसे बड़का चीज तो अत पढ़े नहीं बेचे बहुत विद्यार्थी सब रहे गाँव के इना जात जाति के विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई निःशुल्क पढ़ाई ना हमारा एक प्रयासरत रहे सके पढ़े ला कम से कम एक विद्या में डिग्री तक उस निःशुल्क पढ़े इटा चीज हमारे साथ व्यवस्था करबी कही तकर बाद बच्चा सिया के गाँव में मनोरंजन के साधन नहीं खेलकूद करे वाला पार्क नहीं फुटबॉल ग्राउंड नहीं
अब गाँव ठाव के आदमी के बैठी के कम से कम जे बुढ़ा पाका सौ सीनियर सौ छे से आगे बैठ के छलफल कर ला स्थान नहीं पे अपन अपन घर में छे एक ठा बैठ के छलफल करके तीन तो एक नया चीज निकल लेतीन और ये हमारे से थारू से सामुदायिक भवन सौ अब गाँव घर में बिहा सिया इमर कर इना चीज एक बड़का भवन लेते बढ़िया लेते उ उना भवन हमारे बनाने का कोशिश कर इना चीज हमारे से अखने हमारे से एजेंडा में इना गया इन्हें इन्हें आस देखा कि नेता सब अखने कहनी चुनावी प्रचार प्रसार कर जेकि जीती के चल जे छी सही बात इन्हें इन्हें के फिर तो समाधान विकास तो करो नहीं जैसी नहीं क्या अखने अब सबक था कि अखने एटा नया संरचना अनुसार संविधान में जे नया संरचना अखने को उटा अनुसार अखने इंटरव्यू के इना चीज अखने कार्यक्रम भैया चुनाव भैया प्रतिनिधि सभा के आर प्रदेश सभा के दीर चुनाव अखने 21 गते भैया तो एटा प्रतिनिधि सभा तो पहिने हावे लेकिन अखने प्रदेश सभा एटा नया संरचना है नया संरचना अनुसार अखने चुनाव हेतु एटा नया संरचना प्रत्यक्ष रूप से स्थानीय तह के सरकार आर स्थानीय जनता संगे प्रत्यक्ष सरोकार राखल इटा तह है इटा तह में रहिका के काम करे पड़ते हमारा के काम करबे करबे और अखने इना जेना स्थानीय तह के सरकार एक मार्फत विकास के काम आगू बढ़ेबे तकर बाद आरो अवसर आर मौका सब के लिए हमारा से प्रदेश सभा में आर प्रतिनिधि सभा से अपना से इना सहूलियत सब जुटबी आब जे कखने सदैव कहे जे खाली आश्वासन दे तकर बाद नहीं है इटा चीज हमारा से तोड़ तक इटा जे मन में लोगन के भ्रम छे कि नेता ना चुनाव जीत छे बहुत चीज कर छे नहीं कर छे उटा चीज हमारे से बुद्धि नहीं है आ हमारा से आश्वासन से बेसी काम कर देखे खाली ई करू उ करू चुनाव में तो आदमी उम्मीदवार डरो से कही दे बेसी इरंग करी देवे उरंग करी देवू कह कसी जे कसी से बांधे लेकिन हमरा से आश्वासन नहीं दाके काम करके देखबी कह के हमारे से इटा वचनबद्धता देख विश्वास करो जनता काम करके हमारे भागबे नहीं अथन फिर एक संगे मिली अखन कर तो प्रजातंत्र में तो कौन है जनता संगे मिली के काम कर सलाह से काम कर सर सलाह सुझाव अनुसार से संगे संगे हमारे के विकास ने काम करबी इना समस्या ने पहचान करके आके तो मेहनत में हमारे काम करबी कह के इना वचनबद्धता हमारे प्रकट कर अखने इन छे अखने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए नमस्कार करते ये गाछी भोट दिए हथौड़ा में भोट दिए इन करते करते घूमि रही जेकि पाछू चुनाव ओरिया के जीती के फिर इना गाँव घर नामे इना नेता पार्टी ना काम नहीं घूम छे आओ घूमे पड़ते आओ भागुओ करते कदे भागते एक तो स्थानीय तह के सरकार अखने गठन भै गए चुनाव सम्पन्न नितान्त अपन वार्ड में रहे पड़े अपन गाँव पालिका में रहे पड़े ओरिंगे प्रदेशों न के नेता के आओ भागे नहीं पीते हमर कर्म क्षेत्र भी अत बनल इटा प्रदेश के एक नंबर तो हम कते भागी जो काठमांडू में कोनो ऑफिस नहीं हमारे साथ हमारे साथ बात देवा रहे पड़ते यार प्रदेश अतन काम करे पड़ते तो हमारे साथ यहाँ ना गाँव में यहाँ ना हमारे अपन प्रदेश के जितना छे यहाँ ना हम काम करबी भागे के कोनो मौका नहीं फिर तक हमारे साथ हमें तो व्यक्तिगत रूप से कहा तो हम काम कर ला चुनाव में भाग लै रहा है सेवा कर ला एक लंबा सर्विस पुलिस की सर्विस करिका के रिटायर भैया अखने फिर समाज सेवा खातिर समाज समुदाय के परिवर्तन खातिर एक आर्थिक उन्नति खातिर एक हक अधिकार खातिर जैसे अखने हमारे से खास कर जनजाति सौ दलित सौ थारू सौ मुस्लिम सौ हेलो अधिकार भी हमारे प्रयोग कर नहीं सकते उपभोग कर नहीं सकते तो आओ हमारे से इधर चुनाव के बाद में हमारे से विकास के लहर फैलबे हमारे से आप सुख के दिन आप शुरू करबे आओ हमारे से खास कर प्रदेश के सब के घरे घर में आओ असल दिन आबे कह के हमारे एटा कामना कर जनता सब कह नेता ना खाली बोलबे कर कुछ करिक नहीं देख छे कुछ के इना जनता के गलती छे कि इना पार्टी के गलती छे कि इना पार्टी से भी समन्वय करना जरूरी रहे जे नेता तो जीतल के चल गई तो नेता रखे आनी क्या के अत बान्ही क्या के अपन गहरी क्या के अपन उना जते मतदाता जते कर्म क्षेत्र छे और काम करावे के जिम्मेवारी पार्टी के भी छे उम्मीदवार तो छिक्या वही संगसंगे पार्टी के भी दायित्व छे पार्टी रह या ते यहाँ ना मतदाता तोरा भोट दिलकोस एक काम कर क्या पार्टी के जिम्मेवारी छे वो रह तो लेकिन उम्मीदवारों के एक जिम्मेवारी छे जे न मतदाता हमरा भोट दैके जीतल गेस उना मतदाता के हरेक सुख दुख हरेक समय में हरेक छीन के संगे रहना चाहिए कखने कुन घड़ी कुन पड़े क्या इना जाति के खास कह के थारू सिया के राजवंश सिया के ऋषिदेव सिया के दलित सिया के एक ऊपर में पहुँच नहीं छे मुख में बोली कम छे छे बहुत जन बोल साल छे लेकिन बहुत जना के कुन कहे छुमा छुमा काम भी कोई नहीं कहे से लाजी गा के कही देव पड़े तो उना चीज हम संगे सदैव छुमा से लैके बड़की तक के सब के यार समस्या छे तो उना समस्या भी समाधान करे पड़ते हमारे से अगर चुनाव जीत जीत करे पड़ते हमारा सके इटा चीज हम वचनबद्धता प्रकट कर मोरंग क्षेत्र नंबर चार से उठल छे कुन इना के निगरानी करल छे मोरंग क्षेत्र नंबर चार में कते कते कुन कुन हेल छे कही के
अखने हमारे इना एक तो अखने भर्खरे बाढ़ी सौ आबिक आगे बहुत बाढ़ी पीड़ित सौ अलिस तो इना में अखने बहुत ना गुनासो भी अलि कि हमारे आगे राहत वितरण सही तरीका से नहीं कर लगे तकर बाद जे ना अखने दिन के 70 रुपया एक सरकार तरफ से योजना दिल से ओहो ना बढ़िया से लिस्ट ऑफ न करल के बढ़िया से सूची तैयार न करके पाए वाला मानस नहीं पेल के नहीं पाए वाला पेल के उना चीज देखने तकर बाद अतरा बाढ़ के बहुते समस्या छे आइटा बाढ़ी के कारण से बहुते पुल सब टूटलिस आ ओते मुख्य समस्या सब मंदिर सब ओते बहुत ना अपन अपन जातीय के धर्म के रक्षा खातिर जातीय के रीति रिवाज के संरक्षण खातिर बहुत मठ मंदिर सब छे उना के अखने बहुते ठना ओकर मरम्मत समार चाही ओकर बनावे के पड़छे अब मुख्यतः अखने खास करके हमें देखने बाल बच्चा से आके क्योंकि भविष्य के कर्णधार बच्चाना छे बच्चा न प्रति अखने सरकार द्वारा प्रत्यक्ष जे हिसाब से ओकरा बढ़ाना चाहिए उरेंग नहीं करा सक रहा है बच्चा ना अपन कौन खेल की कौन नहीं खेल की कौन खाना चाहिए ओकरा कखने कखने कौन कौन दवाई सब चाहिए कौन कौन पोषण तत्व चाहिए पढ़ाई में ओकरा किरे आगे बढ़ाए पड़े एक पढ़ाई ठीक से चल नहीं चल पढ़ी आगे वे रोजगारी पेल कि नहीं पेल इन चीज में विशेष ध्यान देवे पड़ती इन चीज समस्या छे रोजगारी के समस्या बहुत हरेक गाँव में तोरा अखने लड़का से लड़कियों अखने लड़कियों सब बहुत पढ़ल लिखल तो ओकरा से आगे नौकरी चाकरी नहीं मिलती हरेश खा के पढ़ियो लगे नौकरी नहीं पेछे तो हरेश खेचे बापो में आना के पैसा खर्च करके पढ़ लेकिन नौकरी नहीं पेछे तो बापो में आना के तकलीफ है जगह जमीन बेचे कोई तो उरेंग उरेंग अखनी ना समस्या आई टाट प्रदेश में एकदम व्यापक रूप में टटकार रूप में सबसे तो खाने पानी के व्यवस्था बढ़िया नहीं है अखने आजकल आओ कृषक से आके कबा तक एक सिंचाई के व्यवस्था मल के व्यवस्था नहीं है उच्च प्रविधि चाहिए आओ अब वहाँ जगह में आदमी नहीं पेशी काम करे वाला जन नहीं पेशी तो कद शांति अब उच्च प्रविधि प्रयोग करे पड़े उना चीज किनेला सरकार तरफ से अनुदान देवे पड़े कम से कम कि तो फ्री अनुदान दे पड़े कि तो एकदम कम हाँ कम सहूलियत में बड़ी से बड़ी सहूलियत पाके कम पैसा दाके बने किनना चाहिए इना चीज हमें स्पष्ट देख लेना चाहिए आ योजनाबद्ध ढंग से विकास र करना चाहिए अब सोचे जते मांगल के बाट होते बाट बना देखिए उटा बाट के भविष्य कौन तो इटा बाट पास कते जोड़ते कुंडा से लिंक अप करते तो इना बीच सोचे पड़ते अब बहुत ना अखने पीच नहीं पुगल छे कालपत्र नहीं पुगल छे ग्रैबल तो लगभग बहुत ठीक हेल छे तो जते नहीं ग्रैबल हेल छे तुरंत ग्रैबल भी करना जरूरी छे लेकिन ग्रैबल ना के वो लगे रसे से आओ लगभग पीच करे के जरूरी छे फिर जते बाट ना छे छुमा बाट छे अखने हकर दौर के बाट बना दे पीच बना दे 5 वर्ष के बाद में वहाँ साँकड़ा भैया छे तब अखने से हमारे बाट ना फैलार करके बनाना चाहिए हमारे बनाए छे एक फेन से बातचीत रोके चाहछुन तोसिन देखि रहल छै थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज अखने हमर संगे बातचीत जोड़ी रहल छै मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के नेपाली कांग्रेस के प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार भक्ति माझी जी रहल छै हम ओकरे संगे बातचीत जोड़ी रहल छिन फेन से कार्यक्रम में दोसर व्यापारिक विश्राम लेबे चाहछुन आई एम रेमिट आई पे रेमिट हिमाल रेमिट संसार रेमिट पृथ्वी रेमिट मा विदेश बाट आएको रकम तुरुन्त भुक्तानी गरिनुका साथै देशभित्र रकम पठाउनु परेमा वा हवाई टिकट विद्युत बिल भुक्तानी टेलिफोन बिल भुक्तानी मोबाइल रिचार्ज तथा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस् विवेक इन्टरप्राइजेस दुहबी सुनसरी फोन नम्बर 0525403016 0525403097 प्रोप्राइटर अनक चौधरी 9842204943 9842204943 कार्यक्रम के दोसर व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहछुन तोरी सियान के मन पसंद थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज में हमें बातचीत जोड़ी रहल छुन मोरंग क्षेत्र नंबर 4 के प्रत्यक्ष तरफ के उम्मीदवार नेपाली कांग्रेस के भक्ति माझी जी ओकरा फिर से स्वागत करे चाहछुन फिर से स्वागत छु भक्ति जी धन्यवाद अखने बाढ़ घाट के दिने एटा व्यापारिक विश्राम के आगू बोल रही अखने एटा बाढ़ जे एक पारी के सबसे बरखा बाढ़ एलि अखने एटा मेन बाट कमनी मेन विराटनगर के जोड़े वाला एक लोहंद्रा पुल भत्कल छी इटा के कहिया तक में योजना छी इटा बनाबे के तैयार करे लगिन इटा त अखने डाइवर्सन कए के काम चल भए रहल छै लेकिन उटा के काम भी शुरू भए गेल छै अखने योजना उटा के पास भए गेल छै काम शुरू भए गेल छै उटा मेन लिंक अप उटा उटा बाट छै उटा नै त करि कर त सारा मरकर आदमी से कार मरकर आदमी से लिंके टूटि जेतै उटा त तुरंत अखने काम चालू भए गेल छै जे कि अखने बार रावी के सिंचाई के भी एक रति एकदमे समस्या हेल छै हां बहुत इना अखने लोहंदरा के फेरो अखने कमनी धनपाल से एक रति
काटी कुटी के नरम फिर बगल अच्छे बहुत ना उरेंग समस्या छे नहरो काटला छे बहुत ना तकर बाद आरो ठना ना बिसी ना काटला छे ना त सोन के अखने बनावले योजना भ्याग ल छे अखने आ चुनाव में आचार संहिता लगा देल के उटा कारण से अखने इना काम शुरू नै भेल छे इना सर्वे भ्याग ल छे आ जल्दी से इना काम जते जते नहर ना काटला छे जते जते छहर ना भेले बिसी ना भेले उना सोन के अखने मरम्मत करे के योजना भ्याग ल छे हमरा चाहिँ इना बात करि रहल छै न त संबंधित निकाय न सके इनिङ छ यीपारी कम नेपाली काङ्ग्रेस आरो फोरम सहकारी मेछि अखने मिल्ल छि किन गीटा सम्भव भेलि अखने सबसे बड़का चीज त नेपालमे जे राजनीतिक ध्रुवीकरण हेल छ लोकतन्त्रवादी प्रातन्त्रवादी आर वामपन्थी शक्ति इटा ध्रुवीकरण अचानक हिले एउटा क्याकि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले जे हिसाबसे वाम गठबन्धन गरल कि त इटामे अखने बहुते विशेषज्ञ सब राजनीतिज्ञ सब ई सब शंका के घेरा में राखल गया रहा है क्या मचुके ई बक्से वाम गठबंधन ने तो एक उद्घोष भी भैया कि हमीर साम्यवादी शासन लागू करना चाहूँ हमीर यह संविधान संशोधन करें हमीर समाजवाद तर्फ हम उन्मुख हो जनवादी सरकार हम अभ्यास कर इटा कारण से एक कुनले वर्चस्व कम्युनिस्ट वर्चस्व के सरकारी सब बनवे घोषणा कर तो ऊ कारण से अखने नेपाल में लोकतंत्र फेर कंजान कहवा तो किसिम से खतरा में जा साक्षी कहकर एक चिंता के विषय एक शंका के विषय जा तक अब नेपाल में लोकतंत्र प्रातंत्र ता तक विकास संभव नहीं तो विकास अब करे पड़ते नेपाल में तो साल से अब लोकतंत्र प्रातंत्र के मजबूत बनाए खातिर एक लोकतंत्र पार्टी जैसे नेपाली कांग्रेस से वही लोकतंत्र में आस्था राखल नेपाल लोकतंत्र फोरम पार्टी भी छिचल जर अध्यक्ष छिचल माननीय विजय कुमार घसदार जी तो वे लोकतंत्र और प्रातंत्र के मजबूत बनावला स्थिर राजनीतिक स्थिरता देवला व्यवहार खातिर अखने नेपाली लोकतंत्र पार्टी और नेपाली कांग्रेस दुनू एकीकरण हेल तो ऊ कारण खास मुख्य कारण इटा अब एक रति अपन सी के समाज के बारे में कहता छु अपन सी के थारू समाज एकदम पाछू पड़ल छी कुन सोचल इटा के बारे में सही बात छे हमरा से बहुत अवसर से वंचित क्योंकि एक तो बाल बच्चा के पढ़ाबे के एक तो चेतनो नहीं चेतना हेतु कि नहीं के जब शिक्षा हेल्थ तब नहीं चेतना हेल्थ शिक्षो और चेतनो के कमी से हमारे साथ बाल बच्चा के भी पढ़ाबे नहीं पीने अब बाल बच्चा पढ़ाबे नहीं पीबा तब चेतना नहीं हेलू तो त्या हमर कुन अधिकार छे एकटा नेपाली नागरिक आबि के हमर जे अधिकार छे राज्य से पाए वाला अपन अधिकार के बारे में भी जानकारी नहीं हेले तो इना चीज राज्य कदान विभेद तो करले छे विभेद करल छे हमारे साथ उत्पीड़न पारले छे तो इना चीज आओ हमारे साथ समाप्त करबे जे न जनता जे न हक पाना चाहिए नेपाली चाहे पहाड़ के आवे तराई के आवे हिमाल के आवे सकठोन नेपाली जनता चाहे कोनो जात के आवे सब न जनता नेपाली जनता छे त जे एकटा जनता के जे अधिकार छे दोसरो जनता के उतने अधिकार होना चाहिए जे न मौलिक हक छे जे न आर कानूनी हक छे संवैधानिक हक छे सब न हक अधिकार बराबर पाना चाहिए कहीं एकटा होना चाहिए इटा चीज के हमरा चेतना के कमी के कारण से हमरा चाहिए रहने लेकिन आओ शिक्षा के सबसे पूर्वाधार चीज छ शिक्षा शिक्षा में जब आदमी पढ़ते लिखते तो सब कुछ जरूर जानते तब वही अखने या संविधान व्यवस्था हेल से कि जे पढ़ल के लिखल के ओकरे जाके आओ रोजगारी के अवसर देवे समान पातिक समावेश चाहे केंद्र से लैके जिला गाँव स्तर तक में सब सरकारी निकाय में आवे संवैधानिक निकाय में आवे नेपाल प्रहरी में आवे नेपाली सेना में आवे सब न जात जाति के आओ जरूर ओते नौकरी मिलते उतर होना चाहिए उड़ा संविधान व्यवस्था भैगल तो उटा संविधान अनुसार से अब सब के अवसर मिलते तो इटा चीज से आर्थिक उन्नति हेते संगसंगे हमारा सबके कौन सी कि हमारे साथ समय बहुत वेस्ट खेर तो उन्ना समय के हमारा सदुपयोग कर के आयमूलक सब तालीम सौ आयमूलक रोजगारी सौ घरेलू उद्योग सौ ये सब में भी हमारे सबके लाजवी तो जरूर क्योंकि सबसे बैकबोन तो आर्थिक सम्पन्नता आर्थिक सम्पन्नता करावे पड़ते इनके आ तकर बाद हमारा सबके मेन राष्ट्र से देश से राज्य से विशेष प्राथमिकता दैके इना जात जाति के खास कर थारू जात जे पिछड़ल छे विशेष प्राथमिकता दैके एक के अवसर सब प्रदान करे पड़े तब मात्र हमारे साथ थारू सके आर न विकास हल ना जात बहुजे बराबर में जेते पहले तो बराबर करे पड़े ने तो उटा चीज हमारे साथ विशेष ध्यान देवे कहने कौन देख सकते हैं अपन सबके समाज में सबसे बड़का समस्या कौन छिके तो बड़का समस्या तो कहूँ चेतना के कमी छे शिक्षा के कमी छे शिक्षा चेतना नहीं अलू तो तैं थाहे नहीं पेबा तो कौन करबा तो पहिना त एकर जड़ अछि शिक्षा पहिना हमरा सबके शिक्षित आउ इरंग अखने बहुत छै हमरा सबके बाल बच्चा सब छोड़ा सब बच्चा सब छोड़ी बच्चा बहुत पढ़ल अछि तऽ लेकिन फिर भी कुनले त उटा जे जेर होना चाहिए उटा स्तर में नहीं पुगल अछि त
हमारे शिक्षा सबसे पहिना फोकस हम शिक्षा में करबे, तकर बाद आर्थिक समुन्नति होना चाहिए, आर्थिक उन्नति हावे पड़ते, तकर बाद हमर पूर्वाधार विकास भी संगसंगे होना चाहिए, इना संगसंगे इना एकचोटी लाजमी कहकर हमारे कह इनंग छिन फिर जितना बेटी सब एकदम शिक्षा भी एकदम बेसी कर लि तैम भी बिहा के बिहा में दान दहेज के एकदम समस्या है छिनी कुन ईटा के कुन कहे चाहे किन के रोकथाम हेती ईटा अपन सी ईटा थारू समाज नहीं उतने तो थारू समाज में तो बिहा कर छे। अब अखने लड़की सब बहुत पढ़ के लिखल गेस तैयो रोजगारी नहीं छे, तो अखने थारू समाज में उतना दहेज के चलन उतना नहीं छे, जेरंग आर न मधेसी समाज में छे, मधेसी बाहुन सब झा कुन कुन छे ओकर छे विशेष तो थारू में उतने दहेज देवे पड़तौ, उतने पैसा देवे पड़तौ, उतने जगह देवे पड़तौ कहके उरेंग नहीं छिटा ईटा समस्या हमरा से उतने बेसी छे कहके नहीं कहे चाह नहीं थारू में उरेंग नहीं छे, आर चीज छे समस्या लेकिन ईटा चीज नहीं छे हमरा सबके अखने आब थारू सबके वास्तव में कहते पौष्टिक आहार सब नहीं भेट रहा है, जे न चीज खाना चाहिए पौष्टिक तत्व के भोजन सब नहीं खाए एक चीज के राज्य विशेष ध्यान नहीं दे बच्चा न के मेन तो बच्चा न के आ नया जेनरेशन बच्चा न के हुर्का विप्रिया एकदम विशेष ध्यान देवे तब नहीं हमारे दस वर्ष बीस वर्ष के बाद में उन्हें बच्चा एक होनहार बच्चा बनते एक सक्षम बच्चा बनते आ जे अखने शिक्षा पा रहा है शिक्षो न गुणस्तरीय शिक्षा नहीं पुगले शिक्षा तो पेल्के आईए पढ़ के बीबीए पढ़ के बीबीएस करके लेकिन ओकर क्वालिटी नहीं आवे कारण से हमारा से उटा मीट करे नहीं सकते अखने तो प्रतिस्पर्धा के जमाना ले तो प्रतिस्पर्धा में मीट करे वाला क्षमता सहित के उरेंग योग्यता सहित के उरेंग हमारा शिक्षा देना चाहिए आप सोझे शिक्षा दे के नहीं थे अब स्तरीय गुण स्तरीय शिक्षा दे पड़े व्यावसायिक शिक्षा दे पड़े जैसे कालू तुरंत कोनो भी ठाव में पास आ सकते आर व्यावसायिक शिक्षा दे के अपने से कोनो रोजगार के काम भी कर सकते उ वक्त देना चाहिए कहकर हम बनाए तुरसिन देखी रहा है थारू भाषा कार्यक्रम हमर समाज कार्यक्रम के अंतिम अंतिम दिशन चलेलिस अंतिम में एक छुमा व्यापारिक विश्राम लेवे चाहे कार्यक्रम हमर समाज में बाद अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से हमें उपस्थित हेवे करबू देखते रहें तुरसिन एरिना टेलीविजन। आइए मेरे मिट आई पेरे मिट हिमालय मिट संसार आरे मिट पृथ्वी रेमिट मा विदेश बाट आएको रकम तुरुन्त भुक्तानी गरिनुका साथै देश भित्र रकम पठाउनु परेमा वा हवाई टिकट विद्युत बिल भुक्तानी टेलिफोन बिल भुक्तानी मोबाइल रिचार्ज तथा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। विवेक इन्टरप्राइजेस दुहबी सुनसरी फोन नम्बर 0255403016 0255403097 प्रोप्राइटर अनक चौधरी 98420209043 98420209043। कार्यक्रम के अंतिम व्यापारिक विश्राम के बाद फिर से स्वागत करे चाहूँ हमारे संगे समय कमनी एकदम कमती कमती छी जे कि ओकरा फेन से हम स्वागत करे चाहूँ फेन से स्वागत छु धन्यवाद। अंतिम में कुन कहे चाहे नेपाली कांग्रेस के क्षेत्र नंबर 4 से प्रत्यक्ष तरफ के उम्मीदवार जनता सब के कुन कहे चाहे किन के भोट मांगी रहा है कुन कर्मी कह के कुन कुन सोची रहा है कुन आश दया के जनता संगे भोट मांगी रहा है कुन कहे चाहे नहीं अखने हमें तो शुरू में कही दे लेकिन फिर भी हमें इटा नेपाली कांग्रेस पार्टी के 4 क्षेत्र के प्रदेश नंबर 1 के प्रत्यक्ष उम्मीदवार छिन्न हमें तखनों को नहीं हमारे से आगे मुख्य फोकस अखने हमारे तीन चीज में कर रहा प्रजातंत्र और लोकतंत्र के रक्षा अखने करना चाहिए सुदृढ़ करना चाहिए क्योंकि देश में अगर लोकतंत्र नहीं रहते प्रजातंत्र नहीं रहते फिर देश में अस्थिरता उत्पन्न होते स्थिर सरकार नहीं बनते तो फिर विकास के क्रम रोकते तो सियाल से लोकतंत्र प्रजातंत्र के रक्षा खातिर भी इटा के स्थिरता खातिर भी नेपाली कांग्रेस के भोट देवे पड़ते कहीं क्या मांगी रहा है तकरो दोसर राष्ट्रीयता अखने हमारा से आगे राष्ट्रीयता कमजोर वक लाग्छ लेकिन वास्तव में थारू से हमें राष्ट्रीयता सबसे बेसी छ सब नया नेपाली जनता में राष्ट्रीयता कमी नहीं छ जबरदस्ती कोई कोई को दल के विशेष ए तोर से आगे राष्ट्रीयता नहीं छु कहीं आरोप लाग्छ लेकिन हमारे से हमें राष्ट्रीयता बहुत छ तो उटा राष्ट्रीयता के मजबूत आरो करबे हमारे से राष्ट्रीय एकता में हमारे से हाथ छ हमारे से राष्ट्रीय समृद्ध करे में हमारे से हाथ छ राष्ट्रीय विकास में हमारे से हाथ छ तो सबके राष्ट्रीयता के सवाल में हमारे से अखने एकता देश के एक सूत्र में बांधे पड़े इरा में अखने भेदभाव नहीं होना चाहिए पहाड़ी हिमालय मधेश तराई जात जाति मीना नहीं होना चाहिए क्या इटा हमारे के दोसर मुख्य एजेंडा छे तेसर विकास विकास रामे कौन छे आओ जितने हमारे पूर्वाधार विकास उन्हें संपन्न करा के तब आधुनिक विकास तरफ हमें जाए पड़ते इटा हमारे तेसर छे तब तरह संगसंगे आर्थिक संपन्नता आओ तो हमारे विकास करके सौनिया जात जाति में आर्थिक संपन्नता होना चाहिए
सबके कहाँ धनी घापरले बुढा सब छे जे वृद्ध भत्ता कम छ नै पुग्छ चार हजार देश चार हजार कुन पुग्थे तो सामाजिक सुरक्षा अखने बाल बच्चा जन्म छे तो ओकरा कतना धनाके सुतकेरी के खियावला पैसा नहीं है सुतकेरी के चाहे पौष्टिक आहार ओकरा तो सुतकेरी के भत्ता दे पड़े तो वही बच्चा ना कहूँ स्कूल जैसे पढ़ाने वाला क्षमता नहीं रहे तो ओकरा से पढ़ाना निःशुल्क पढ़ाए पड़े तो कम से कम आप यहाँ से पूर्वाधार तेना पूर्वाधार ना पूरा करबे आ तकर बाद रोजगारी के अवसर तकर बाद उद्योग धंदा सब शांति हेतु तब नहीं दोसर देश से लगानीकर्ता सब ये ये पूंजी लगती उद्योग धंदा खोलते कल कारखाना खोलते शांति नहीं रहते कलो जाकर माओवादी सब आते आवि सरकार बनते तो के ये ये पैसा लगानी करे के खोलते ये फैक्ट्री कल कारखाना तो कते पीते रोजगारी खाली सरकारी काम से तो नहीं पुग्ते सबके तो प्राइवेट सेक्टर में चाहे तो ऊ ललसे आओ शांति खातिर भी नेपाली कांग्रेस पार्टी के जिताना चाहिए आवश्यक छ नेपाल में विकास चाहिए नेपाल में पूर्वाधार सबसे निर्माण करे पड़े आर्थिक संपन्नता करे पड़े यहाँ मुख्य बुंदा सब यहाँ बात कहे चाहिए कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के अपन खातिर अपन समाज खातिर अपन राष्ट्र खातिर अपन संतति खातिर भी नेपाली कांग्रेस पार्टी के गाछी चिन्ह में भोट दैके अत्यधिक बहुमत से विजय कराके नेपाली कांग्रेस के केन्द्र में संघीय सरकार प्रदेश में प्रादेशिक सरकार भी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में होना चाहिए कहिया के यार बात हमें सब आग्रह करे चाहिन अनुरोध करे चाहिन धन्यवाद बातचीत कर दिले बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिन अगर हमारे संगे बातचीत जोड़ी रहा छी आज थारू भाषा कार्यक्रम हमार समाज में मोरंग क्षेत्र नंबर चार के प्रदेश सभा के प्रत्यक्ष तर्फ के उम्मीदवार भक्ति माझी जी ओकरा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देवे चाहिन कार्यक्रम के अंतिम अंतिम दिशा में चलिए तोरसिन के एटा कार्यक्रम किनेंग लग्छु कुन सलाह सुझाव छू जनता तोरसिन अवश्य भी सलाह सुझाव देवे सकते सलाह सुझाव के लिए टेलीविजन स्क्रीन में नंबर ना दौड़ी रहा छू यहाँ नंबर में तोरसिन संपर्क करके सलाह सुझाव देवे सकते आर तोरसिन के एटा कार्यक्रम थारू समाज के लिए किनेंग खलक कार्यक्रम के आवश्यकता छी तोरसिन सलाह सुझाव देवे सकते होना कार्यक्रम के बारे में जे कि किनेंग खलक कार्यक्रम आवश्यकता छ इटा थारू समाज के लिए आर गीत संगीत के लिए हमर सिन के लिए इटा कार्यक्रम के लिए एकदम आवश्यकता छ तोरसिन के कोनो भी फिल्मी गीत सम छू जन त म्यूजिक वीडियो सम छू जन त तोरसिन यहाँ दौड़ी रहा नंबर में संपर्क करके बुझावे सकते इटा कार्यक्रम मार्फत हम तोरसिन के गीत के लिए ठाम देवे करबू दोसर हफ्ता भेटे के बाचा राखते कैमरा में एक घंटा साथ दिल की कुशल के बहुत बहुत धन्यवाद हमें नीरज खवास दोसर हफ्ता भेटबे करबू तब तक के लगिन हमें विदा हेबे चाहूँ नमस्कार देखते रहन एरिना टेलीविजन